सर हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपने लाइक सीएसएस के लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं। और हमने पिछले लेक्चर्स में क्या क्या देख लिया था? हमने देख लिया था सीएसएस में हमने कहाँ पे एंड किया था अपना लेक्चर सीएसएस का, वो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमने सी एस एस के वीडियोस को हमने कहाँ तक देख लिया था? क्लास आईडी एंड सेलेक्टर पर रखा था, इनहेरिटेंस एंड स्पेसिफिसिटी पर रखा था। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीएसएस का, द बॉक्स मॉडल। ठीक है, द बॉक्स मॉडल है क्या? ठीक है, द बॉक्स मॉडल पढ़ेंगे आज। एंड बॉक्स मॉडल में क्या है ना, आप इसे थोड़ी देर के लिए रिवाइज कर लेते हैं, जिससे पता चल सके आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत सारे वेबसाइट में जब हम लोग ओपन करते हैं तो बॉक्स एक एक तरह का एक ओवरव्यू होता है। यहाँ पे ऊपर में एक रेक्टेंगल टाइप से कुछ शो होते हैं नैप बार में, फिर एक इस टाइप से रेक्टेंगल थोड़ा बड़ा होता है, फिर इस टाइप का आप देख सकते हो एक रेक्टेंगल इधर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं न्यूटन स्कूल के साइट पर लेके चलता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसका एक एक रेक्टेंगल यहाँ पे है, फिर उसके अंदर कुछ कुछ लेंथ है नीचे ऊपर, फिर इसके बीच में कुछ लेंथ है, और फिर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी एक रेक्टेंगल के अंदर लिखा गया है, मतलब दिख नहीं रहा है, बट एक कंसोल सीएसएस में क्या होता है ना, सीएसएस में जब गूगल कंसोल पे जाओगे ना, तो सब एक एक बॉक्स मॉडल के अंदर रहता है। जैसे ये भी देख सकते हो, वाई न्यूटन स्कूल लॉन्च पैड, तो ये अब दिख नहीं रहा है, बट है हमारे स्क्वायर में है, रेक्टेंगल में। जैसे मैं कंसोल पे लेके दिखाऊँ, तो कंसोल पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, व्यू करने का कोई अच्छा सा वो देख लेते हैं, यही से होता है ना, यही से होता है ना, बिकॉज़ जावा स्क्रिप्ट पढ़ा रहा था ना, इधर बीच में तो ये थोड़ा सा जूम हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जब मैं इसे होवर करता हूँ यहाँ पे लेके इंसर्ट करता हूँ, एंड कुछ ऐसा, हाँ यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे होवर किया, तो ये पैराग्राफ क्लास फॉन्ट 7 स्टाइल फॉन्ट साइज 17 पिक्सल, तो ये क्या है कि स्क्वायर में एक रेक्टेंगल के टाइप में हमें शो कर रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद फिर वाई लॉन्च पैड, फिर उसके बाद अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो ऊपर का भी कुछ ऐसा है सर्कल में, ये रेक्टेंगल स्क्वायर में शो कर रहा है, तो इसे ही हम बॉक्स मॉडल कहते हैं। सब कुछ जो होता है ना, एक बॉक्स मॉडल के अंदर में होता है, कुछ उसमें कुछ हेडर्स होते हैं, कुछ पैडिंग्स होते हैं, कुछ तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इस टाइप से आप देख सकते हो बॉक्स मॉडल इस टाइप से वर्क करता है, कुछ हमारे साइड में कुछ उसके एक लिमिटेड लेंथ होते हैं, फिर अप डाउन में होते हैं, राइट एंड लेफ्ट में होते हैं, बॉटम में होते हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग को देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एचटीएमएल एलिमेंट में हम लोग इनलाइन एंड ब्लॉक लेवल पे जाते हैं। इनलाइन एंड ब्लॉक लेवल में क्या होता है, इनलाइन में होता क्या है ना, टेक्स अप द सेम स्पेस एज देयर कंटेंट। ठीक है, ये जितना हमारा कंटेंट होता है ना, उतना ही स्पेस लेता है, उससे ज़्यादा नहीं लेता है, इनलाइन एलिमेंट में ये यूज़ होता है। ठीक है, एंड एलिमेंट आर डिस्प्लेड इन अ इनलाइन फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, जब भी इनलाइन में हम शो करेंगे ना कुछ भी, कोई भी कंटेंट अगर मुझे शो करना है कंटेंट के रूप में, मैं कुछ भी शो करता हूँ, चाहे या तो पैराग्राफ टैग होगा ये, या तो स्ट्रीम H1 टैग होगा या H2 टैग होगा, या कोई इमेजेस हो सकते हैं, या कोई GIF या कोई वीडियोस हो सकते हैं। कंटेंट यहाँ पे मैंने लिखा है, तो कंटेंट का ये मतलब नहीं कि मैं सिर्फ पैराग्राफ यूज़ करूँगा या कुछ लिखने का टेक्स्ट यूज़ करूँगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, आप एज अ इमेज भी यहाँ पे ले सकते हो, एज अ यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इनलाइन में क्या होता है ना कि जो भी आप जो कुछ भी लिखोगे वो सेम स्पेस, जितना कंटेंट का स्पेस होता है उतना ही स्पेस वो कंटेन करता है। ठीक है, एलिमेंट आर डिस्प्ले इन अ लाइन फ्रॉम द लेफ्ट, जब भी कुछ लिखते हैं ना तो वो लेफ्ट की ओर से शो करता है, कंटेंट लेफ्ट से, यहाँ से इस टाइप लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा,
एन एलिमेंट विल ओनली रैप व्हेन साइड्स कैन नॉट फिट। जब वही रैप का मतलब क्या होता है, रैप का मतलब ये समझिए कि जब मैं इस साइड को अगर इसे छोटा करना चाहूँ, लाइक मैं ये करता हूँ, तो ये जो आप देख पा रहे हो ठीक है, ये इसे इसे मैंने बड़ा किया एंड ये फिर छोटा कर दिया। ठीक है, कुछ अच्छा सा जो रैप हो रहा हो यहाँ पे, कुछ हमारा रैप हो रहा होगा। हाँ यहाँ पे तो ये पक्का रैप होगा। वाई लॉन्च पैड वर्क, देखिए यहाँ पे लाइक आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ये भी ठीक है, ये भी नहीं हो रहा। हाँ ये रैप होना शुरू हो गया। ठीक है, तो रैप कैसे वर्क करता है ना, जब कुछ भी कंटेंट होता है, एक लिमिटेड कंटेंट हम लोग शो नहीं कर पाते हैं लाइक से साइट व्यू पे, डेस्कटॉप व्यू पे, तो हम लोग को मोबाइल व्यू पे वो शो करना होता है। जैसे यहाँ पे लाइक मेक्स योर जॉब रेडी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लिखा हुआ है। तो क्या होता है, जब हम लोग एक लाइन से हमें शो करना होगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे तो 1 2 3 ऊपर है, नीचे में 4 5 है, तो हमें लाइन से शो करना होगा। तो क्या होता है ना उसमें, इन लाइन में वो तभी शो करेगा जब तक वो कंटेंट साइट पे फिट ना हो पाए। ठीक है, तब वो शो करता है। यहाँ पे आप ये सब टैग्स यूज कर सकते हो, लाइक ए टैग, स्पैन टैग एंड स्ट्रॉन्ग टैग। स्पैन के पास यहाँ पे एक छूट गया है, उसे क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं दे पाया, तो वो थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है। तो आप इस टाइप से इसे देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंटेंट लिखा हुआ है, फिर कंटेंट 1 2 3, एंड तभी कंटेंट यहाँ पे, ये कंटेंट जो है ना 1 2 3 4 5, ये पूरा वन यहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। अगर वो साइट अगर हमारा डेस्कटॉप उतना बड़ा होता तो ये ऊपर में आ जाता 4 नंबर या 5 नंबर, बट हमारा साइट जो है वो छोटा हो गया, अपने रेशियो के अनुसार हो गया, तो ये क्या कर रहा है, रैप कर जा रहा है। 1 2 3 4, और 2 4 5 जो है वो नीचे आ जा रहा है। ये इसका लाइक इनलाइन इस तरह से वर्क करता है। अब आते हैं ब्लॉक में, ब्लॉक लेवल में। यहाँ पे कंटेंट लिखा, अच्छा हाँ वो कंटेंट लिखा। अब हम लोग ब्लॉक लेवल में पढ़ते हैं, ब्लॉक लेवल में कैसे होता है, तो हम लोग ब्लॉक लेवल में ये जानते हैं कैसे होता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ रख देता हूँ, रखना तो ज़रूरी भी नहीं है, मतलब जैसे रखता हूँ इसलिए क्योंकि वो इंट्रैक्शन थोड़ा हो सकता है अच्छे से, इसलिए थोड़ा फील लगता है कि हाँ कोई पढ़ा रहा है। ब्लॉक ब्लॉक है तो सेम हाइट एज कंटेंट एंड द सेम विड्थ एज कंटेनर। ठीक है, ब्लॉक में क्या होता है, जब हम लोग ब्लॉक यूज़ करते हैं, सबसे पहले ब्लॉक कैसे होता है, ब्लॉक होता है जब एक जैसे यहाँ पे इनलाइन में क्या था ना कि हम लोग कंटेंट का बात कर रहे थे, बट ब्लॉक में क्या होता है कि एक कंटेंट तो हमने लिख दिया, उस कंटेंट के आसपास कुछ स्पेस होते हैं, लाइक ऊपर में टॉप में कुछ स्पेस होते हैं, बॉटम में कुछ स्पेस होते हैं, लेफ्ट एंड राइट में कुछ स्पेसेस होते हैं, देन सेम हाइट एज कंटेंट एंड द सेम विड्थ एज कंटेनर। इनका कुछ डिफॉल्ट वैल्यू भी होता है और कुछ हम लोग खुद से भी सेट कर सकते हैं। ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, हमेशा जब भी स्टार्ट होगा तो ये न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, उसी में वो चीज़ वर्क नहीं करेगा क्योंकि पहला बॉक्स मॉडल इसमें अप्लाई हो चुका है। ठीक है, बॉक्स मॉडल भी नहीं बता रहा, फिर कंफ्यूज हो जाएगा। अभी बॉक्स मॉडल के पहले क्या क्या आ रहे हैं वो बता रहा हूँ, ब्लॉक लेवल और इन लाइन। ठीक है, तो ये एज अ सिर्फ इस कंटेंट के लिए वर्क करेगा, अगर हमें दूसरा कंटेंट यूज करना है तो ये दूसरे लाइन से वर्क करना शुरू कर देगा। कुछ स्पेसिफिक हम लोग क्या यूज करते हैं इसमें, पैराग्राफ यूज करते हैं, एच1 यूज करते हैं, आर्टिकल यूज करते हैं, सेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, ब्लॉक लेवल में, ब्लॉक लेवल में अगर हमने कुछ कंटेंट दे दिया है तो उस कंटेंट में क्या होगा, कुछ फिर से बता रहा हूँ, कंटेंट में क्या होगा, कुछ लेफ्ट में स्पेसेस होंगे, राइट में स्पेसेस होंगे, टॉप में स्पेसेस होंगे एंड बॉटम में स्पेसेस होंगे। ठीक है, बट कंटेंट में ऐसा नहीं था, इनलाइन लेवल में ऐसा नहीं था, उसमें जितना कंटेंट होता था उतना ही वो स्पेसेस लेते थे, उसके अलावा स्पेसेस नहीं लेते थे। इसमें ब्लॉक लेवल कंटेंट में क्या, ब्लॉक लेवल में क्या होता है, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम कुछ कंटेंट खुद से ये लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बॉक्स मॉडल में। ठीक है, जो इतनी देर से मैं बॉक्स मॉडल कर रहा हूँ, तो ये बॉक्स मॉडल है क्या। ठीक है, तो बॉक्स मॉडल में क्या होता है, एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी होता है, लाइक जो डिस्प्ले होता है हम लोग को जो दिखता है, लाइक बॉक्स में यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे मैं अच्छा से और बताता हूँ गूगल कंसोल में और अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये पूरा एक बॉक्स मॉडल है जहाँ पे टॉप है, लेफ्ट है, बॉटम है और राइट है। ठीक है, सबसे फर्स्ट लाइन जो है ना वो मार्जिन है, सेकेंड लाइन बॉर्डर है, थर्ड पैडिंग है एंड फोर्थ कंटेंट है, और फिर उसके बाद कुछ नहीं, लाइक ये इस टाइप से वर्क करता है। सबसे बीच का जो कंटेंट है ना वो हमारा जो भी हम जिसमें बॉक्स मॉडल अप्लाई कर रहे हैं, लाइक कोई पैराग्राफ में अप्लाई कर रहे हैं, कोई H1 टैग में अप्लाई कर रहे हैं, या कोई आर्टिकल में अप्लाई कर रहे हैं, या कोई इमेजेस में अप्लाई कर रहे हैं, तो यो वो यहाँ पे कंटेंट यूज़ हो गया। फिर उसके बाद पैडिंग आ गया, बॉर्डर आ गया एंड मार्जिन आ गया।
मार्जिन सबसे ऊपर होता है, फिर उसके बाद बॉर्डर आता है, फिर उसके बाद पैडिंग आता है और कंटेंट आता है। ये सारे को हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट यूज़ कर रहा है, बट यहाँ पे हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं। चलते हैं गूगल कंसोल पर और अच्छे से समझते हैं कि ये वो कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे छोटा कर देता हूँ। इसे ठीक है, हमारा साइज सही है, 110 कर लें। चलिए ठीक है, साइज सही है। तो सबसे पहले मैं लाइक जब डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं लॉन्च न्यूटन स्कूल के लॉन्च पैड के प्रोग्राम के बारे में भी बताता हूँ। न्यूटन स्कूल में आप जाके इनरॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं जहाँ पे आप इसे इस पे इनरॉल कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है इसकी कि लाइक आप इसे आप में लाइक जब तक आपको प्लेसमेंट ना लग जाए तब तक आपको इसमें 1 भी रुपीज़ नहीं पे करनी है। और आप यहाँ पे बहुत अच्छे मेंटरशिप आपको यहाँ पे मिलेंगे और लाइव क्लास में असाइनमेंट्स मिलते हैं। आप इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करवाया जाता है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जाके उसे देख सकते हो और जाओ चेक करो। लाइक अगर अच्छा लगे तो सही है, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। तो बहुत अच्छे यहाँ पे मेंटर्स हैं, मैंने खुद इंडिविजुअली देखा है सारे मेंटर्स को, तो वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। और इस वीडियो को भी मैं जो आप लोग के पास तक ले ला पा रहा हूँ न्यूटन स्कूल के कारण ही ला पा रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना। हर एक वीडियो के नीचे में एक डिस्क्रिप्शन होता है, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर सकते हो न्यूटन स्कूल के लॉन्च पैड के प्रोग्राम के बारे में। उसमें कुछ फेसबुक लिंक्स हैं, इंस्टाग्राम लिंक्स हैं, लिंकडिन लिंक है, लिंकडिन लिंक पर भी आप लोग जा सकते हो और कुछ कुछ जो स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं उनके बारे में जान सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी वेबसाइट पर जाता हूँ, ये वेबसाइट पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर है, मतलब कंटेंट इतना कुछ खास नहीं है बट हो जाएगा आई थिंक हमारा काम। कोडिंग कॉन्टेस्ट ठीक है, इसको ये मे भी हेल्प होगा। हाँ ये सही है, इस पर वर्क कर सकते हैं क्या? चलिए इसमें आपको गूगल कंसोल पे दिखाता हूँ इस पर करके ये कैसे बॉक्स मॉडल इसमें यूज़ होता है। सबसे पहले तो ये हमें ये मोबाइल व्यू हटाना है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले किसका बॉक्स मॉडल हमें देखना है। हमें बॉक्स मॉडल देखना है इसका, ये कंप्लीट द टॉप कोडर्स इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कोडिंग कॉन्टेस्ट का भी यहाँ पे अच्छा है। यहाँ पे ओके जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आप और उसके बाद आप यहाँ पे जैसे मैं अगर इंस्पेक्ट करता हूँ तो सॉरी 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 डाटा लेने वाला था तो इसमें कंफ्यूज हो गया, कहाँ बताने वाला बता रहा था मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा बॉक्स मॉडल के रूप में ये यूज़ किया जा रहा है। जैसे मैं एक इसका मेन, हाँ मेन नहीं, ये मेन कोई ऐसा ढूंढ। यहाँ पे आप देख सकते हो हाँ ये जो है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आसानी से कि लाइक कलर चेंज हो रहा है, एक पिंक हो जा रहा है, ब्लू हो जा रहा है। तो उससे क्या हो जा रहा है ना कि लाइक आप लोग यहाँ पे सिमिलर देख सकते हो, लाइक मार्जिन होते हैं उसके कुछ और कलर होते हैं हमें बताने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए। बॉर्डर्स के कुछ और कलर्स होते हैं, पैडिंग के कुछ और कलर होते हैं, और कंटेंट जो बीच में होते हैं वो कुछ और कलर्स के होते हैं। ठीक है, तो बॉक्स मॉडल में आप और इस अच्छे से अगर किसी चीज़ को आप बॉक्स मॉडल के बारे में जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे जा सकते हो। लाइक आप किसी साइट पे भी जा सकते हो, लाइक MDN वेब डॉक के साइट पे जा सकते हो, MDN वेब डॉक के साइट पे जा सकते हो और उसका आप CSS अच्छे से जान सकते हो, समझ सकते हो। लाइक तो अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूँ तो ये सारा बॉक्स मॉडल के रूप में है। जैसे अगर आप यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको कि लाइक हाँ ये जो है ना, इसे मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक एक जो सबसे ऊपर में है वो मार्जिन है, फिर उसके बाद कुछ लाइक मार्जिन के बाद बॉर्डर है, फिर पैडिंग है, फिर आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लू कलर है, फिर बीच में थोड़ा सा गैप है। तो ये सारा कुछ जो CSS का होता है ना वो ब्लॉक के रूप में यूज़ करते हैं हम लोग इनलाइन नहीं यूज़ करते। इनलाइन कहीं कहीं यूज़ होता है जिससे वो सिर्फ कंटेंट पे प्रभाव पड़ता है, बट जो भी CSS हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या करता है, पूरी तरह से बॉक्स मॉडल के रूप में यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पिंक कलर का वो मार्जिन शो कर रहा है, और यहाँ पे आप स्टाइल देख सकते हो, यहाँ पे इसका स्टाइल यहाँ पे है, एंड यहाँ पे देख सकते हो ग्रिड गैप है, फिर से फॉन्ट फैमिली हम लोग दे रहे हैं, फिर उसका कलर को दे रहे हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर फिर दे रहे हैं। तो इस टाइप से हम लोग यूज़ करते हैं लाइक फ्लेक्स के लिए, ग्रिड के लिए।
हम लोग बॉक्स मॉडल यूज करते हैं। तो बॉक्स मॉडल में इतना ही है। नेक्स्ट में जो बॉक्स प्रॉपर्टीज है उसमें मैं कोड करके बताऊंगा कि कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं हाइट विद पैडिंग और मार्जिन को। चलिए, थैंक यू।